वाशिम जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने देर से आने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिला परिषद के गेट के बाहर ही खड़ा कर उनके कान खोलने से लेट लतीफ कर्मचारियों में एक ही खलबली मच गई थी। नियम सगळ्यांना माहित नव्हता का? तुमच्या तुमची चूक लक्षात येते का? लेट झाल्यामुळे तुम्ही इथे थांबलाय का? कशामुळे थांबलेला आहे? टाकलं पाहिजे ना, सीईओ इन्स्ट्रक्शन देत असतील आणि त्या तुम्ही घेत नसाल तर सीईओंच्या शब्दाला किंमत नाही का? इथे सीईओंच्या इन्स्ट्रक्शनला किंमत नाही का? तुम्हाला तुमच्या मनाने जर नियम तयार करायचे असतील आणि ते जर राबवायचे असतील तर सीईओंना पगार कशाला देतं शासन? मग ग्रुपवर मेसेज टाकायची नियम का केला आपण? तर एखाद्या व्यक्तीला दोन पेक्षा जास्त वेळा ग्रुपवर मेसेज टाकल्यानंतर लाज वाटून तो स्वतः पुन्हा तिसऱ्या वेळी वेळेवर येईल, मग का नियम हा पाळला जात नाही? हा नियम पाळला तर ऑटोमॅटिक तुमच्या वर्तनामध्ये सुधारणा झालेली तुम्हाला दिसेल, पण तुम्हाला सुधारणा करून घ्यायची नाही। पण सीईओ जर दर दिवशी पाहुणे दहा वाजता येत असतील तर तुम्हाला काय अडचण आहे? नोकरी नको आहे का तुम्हाला? तुमचं घर चालतं या पगारावर, तुमची मुलं चांगल्या शाळेमध्ये शिक्षण घेतात आणि आपण काम व्यवस्थित करत नसल्यामुळे आज रोजीपर्यंत हा जिल्हा आकांक्षित राहिलेला आहे। वाशिम जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे ने आज बुधवार को देर से कार्यालय आने वाले लेट लतीफ अधिकारियों तथा कर्मचारियों को खासा झटका दिया। जिला परिषद के मुख्य प्रवेश द्वारों पर सुबह ताला लगाने का आदेश जिला परिषद के सीईओ द्वारा दिया गया। सुबह 9:50 को जिला परिषद के तीनों ही प्रवेश द्वार को ताला लगाया गया, जिसके चलते लेट लतीफ कर्मचारियों को तथा अधिकारियों को गेट के बाहर ही खड़े रहने की नौबत आ गई थी। इसके बाद सीईओ वाघमारे ने देरी से आने वाले सभी अधिकारी व कर्मचारियों की क्लास लेते हुए इन लेट लतीफ कर्मचारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। पिछले कुछ दिनों से जिला परिषद के कई कर्मचारी कार्यालय में देरी से पहुंच रहे थे, जिसकी शिकायतें जिला परिषद के सीईओ वैभव वाघमारे तक पहुंच रही थी, जिसके चलते इन लेट लतीफ कर्मचारियों को सबक सिखाया गया। 50 से अधिक कर्मचारी कार्यालय में देरी से आने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अन्य कर्मचारियों के समक्ष इन लेट लतीफ कर्मचारियों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद कार्यालय में देरी से पहुंचने वाले अधिकारी व कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी मुख्य कार्यपालन अधिकारी वैभव वाघमारे ने दी। आज के इस कार्रवाई के कारण कार्यालय में देरी से पहुंचने वाले सभी अधिकारी व कर्मचारियों को पसीने छूट गए थे। बिल्डर आणि इंजिनियर सुनील हातेकर यांच्या विशेष प्रयत्नांनी 238 लक्झरियस फ्लॅटची भव्य टाउनशिप पवन पार्क आपल्या बजेटमधील भव्य टाउनशिपमध्ये स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार करा। वेधशाळेच्या मागे न्यू तापडिया नगर अकोला 2BHK लक्झरियस फ्लॅट रेडी पोझिशन मध्ये लो क्लास प्रोजेक्ट विथ हाय क्लास फीचर्स अँड अमेनिटीज। पूर्ण टाउनशिपला कंपाउंड वॉल व एकाच गेट मधून प्रवेश। कॉन्क्रीट रोड, स्ट्रीट लाइट्स, प्रशस्त गार्डन, वॉकिंग ट्रॅक, ओपन जिम, लहान मुलांची खेळणी, सर्व रूम मध्ये कटणी मार्बल व ग्रेनाइट किचन उठा, आकर्षक किचन ट्रॉली, डायनिंग टेबल, RO वॉटर प्युरिफायर, लाइट्स आणि कर्टन ॲल्युमिनियम 3-track खिडक्या, प्रीमियम दरवाजे, बाथरूम मध्ये जगवार फिटिंग, गीजर, आकर्षक ब्रँडेड कलरिंग, ब्रँडेड लिफ्ट, ARD सिस्टम सह 2-bed मॅट्रेस विथ 1-king-size सोफा सेट आणि फुल फर्निचर, ब्रँडेड CPVC अंडरग्राउंड प्लम्बिंग फिटिंग, 2 सामान्य बोरवेल आणि टेरेसवर 70,000 लिटर क्षमतेची पाण्याची टाकी, 2-wheeler आणि 4-wheeler पार्किंग, नियमानुसार तळघरात पाण्याची RCC टाकी, लिफ्ट, बोरवेल आदींसाठी सोलर यंत्रणा व अजूनही बरेच काही। अधिक माहितीसाठी संपर्क सिद्धांत सुनील हातेकर 89 83 11 51 32 साइट व्हिजिट करिता QR कोड स्कॅन करा।